नमस्ते प्रणाम। इस वीडियो का आप लोग पूरा देखिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत सारे खेसारी फैंस का एक कमेंट आया था हमारे कमेंट बॉक्स में कि खेसारी लाल यादव का जो गाना है भैया लहंगा लखनऊ 2 कब रिलीज किया जाएगा। बहुत सारे खेसारी फैंस का ये डिमांड भी था और खेसारी लाल यादव के एकदम खेसारी फैंस जो है एकदम इस गाने को सुनने के लिए बेताब है, बेहाल है। तो आप लोग को बता दें, खेसारी लाल यादव का जो गाना है भैया, अखिलेश कश्यप इस गाने के बारे में बहुत ही पहले बताए थे कि खेसारी भैया का ये जो गाना है लहंगा लखनऊ 2 आ रहा है। लेकिन उससे पहले आप लोग को बता दें, लहंगा लखनऊ वाला जो सॉन्ग है भैया, लहंगा लखनऊ वाला जो सॉन्ग है खेसारी लाल यादव का, वो 150 मिलियन पार कर गया है। और लहंगा लखनऊ जब 2 आएगा तो सोच लीजिए कैसा तबाही मचेगा। खेसारी फैंस एकदम उतावले हो गए इस गाने को सुनने के लिए। तो आप लोगों को बता दें इस वीडियो में कि खेसारी लाल यादव का ये गाना कब रिलीज किया जाएगा। खेसारी लाल यादव का जब ये गाना भैया रिकॉर्ड हुआ, उस टाइम दुर्गा पूजा, छठ, बोलबम, मतलब इस तरफ के माहौल में फंस गया वो गाना। लेकिन खेसारी लाल यादव का ये जो गाना भैया छठ पूजा के बाद, छठ पूजा के बाद भैया, मतलब छठ पूजा जैसे ही बीतेगा 10 दिन के भीतर खेसारी लाल यादव का ये गाना भैया आप लोग के बीच में परोसा जाएगा समय से, टाइम से, समझे ना, सही समय देख करके। और ये गाना भैया बहुत ही जबरदस्त बवाल होने वाला है, क्योंकि इस गाने को भैया लिखे हैं अखिलेश कश्यप, दबंग राइटर इस गाने को भैया लिखे हैं और दबंग स्टार खेसारी लाल यादव इस गाने को गाए हैं। तो छठ पूजा के बाद इस गाने को रिलीज किया जाएगा भैया, 99%, जी हाँ 99% इस गाने को रिलीज किया जाएगा। तो जितने भी खेसारी लाल यादव के फैंस हैं, जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं भैया, इस वीडियो को थोड़ा ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि जो भाई लोग हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि खेसारी लाल यादव का ये भैया गाना कब आएगा, सबको ये जानकारी पता हो सके भैया। और दोस्तों आपसे निवेदन है, यदि हमारे चैनल पे आप नए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बाबा न्यूज भोजपुरी को अपना भरपूर प्यार दीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद, आई लव यू। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा खेसारी लाल यादव इस गाने को सुनने के लिए कितने बेताब हैं आप लोग भैया, प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और जैसे ही कुछ और जानकारी मिलेगा आप लोग को बताएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद, आई लव यू।